दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पर बात करेंगे, इसलिए कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं इसी नवंबर में, और कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में भारत में किसी भी राज्य में होने वाला यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसलिए इस चुनाव को ऐतिहासिक रूप से मैं समझता हूं कि याद किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि इस चुनाव में मतदान कैसा होता है, हालात क्या बनते हैं, और प्रशासन और खासकर निर्वाचन आयोग कैसे स्थितियों से डील करता है, उनको कैसे एड्रेस करता है। लेकिन आज हम प्रशासनिक तैयारी के मुकाबले राजनीतिक विषय पर ज्यादा बात करेंगे कि समीकरण क्या है। दोस्तों 2015 में इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, और बिहार विधानसभा के उस चुनाव में हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आसीन हो चुके थे केंद्र की, और बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी थी 2014 में। लेकिन इसके बावजूद नेतृत्व के आकर्षण और मोदी जी के प्रभामंडल के बावजूद बिहार में चुनाव बीजेपी पूरी तरह हार गई थी। और हारने की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो ये थी कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू उस बार साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। और इस चुनाव में 2015 के जो रिजल्ट आया था वो इस प्रकार का था कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं, और 243 सीटों में 81 सीट आरजेडी को मिली थी, बीजेपी केवल 53 सीट तक सिमट गई, 53 सीट, और कांग्रेस को 27 सीट मिली जो आरजेडी के अलायंस में थी, जेडीयू को 70 सीटें मिली थी। इस तरह थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो आरजेडी महागठबंधन जिसको कहा जाता है, जेडीयू आरजेडी गठबंधन, वो विजयी हुआ और सरकार बन गई। लेकिन बीच में ही जनादेश को पलट दिया गया, या यूं कहा जाए कि जेडीयू आरजेडी को जो जनादेश मिला था उसमें जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और सरकार एक तरह से उसका अपहरण हो गया। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव काफी दिलचस्प बन गया है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि आरजेडी ने जेडीयू के साथ जो अलायंस करके चुनाव पिछली बार लड़ा था 2015 में और उसको काफी बड़ी सफलता मिली थी, क्या जेडीयू के बगैर वो एक छोटे से अलायंस को लेकर क्या उतनी बड़ी सफलता पा लेगी, एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है कि 2019 का जब चुनाव हुआ तो आरजेडी गोल हो गई, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर जब केंद्र का चुनाव लड़ा, लोकसभा का 2019 का चुनाव लड़ा, तो 2019 के चुनाव में 40 सीटें लोकसभा की हैं, उनमें 39 सीटों पर एनडीए जीता था, एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी वो भी किशनगंज की। और दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी जीरो पर रही और किसी और पार्टी का खाता भी नहीं खुला, खासकर जो जो आरजेडी के एलआई थे। और 17 सीटें बीजेपी को मिली थी, जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। एलजेपी जैसी पार्टी, रामविलास पासवान की जो अपेक्षाकृत बहुत छोटी पार्टी बिहार की है, विधानसभा के चुनाव में उसको महज 2 सीटें मिली थी, वो 6 सीट पाई लोकसभा की। तो ये एक अजीब नजारा है। दोस्तों हम आज यही सवाल उठाएंगे कि क्या बिहार विधानसभा के इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बगैर, क्योंकि वो जेल में है, उनकी पार्टी क्या एक विपक्षी महागठबंधन को लीड करने में वाकई सक्षम है? क्या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी, जो मूलतः परिवार केंद्रित पार्टी है, क्या अगर वो इस गठबंधन की धुरी है तो क्या इसकी कमजोरी भी है? दोस्तों अगर आज की तारीख में हम देखते हैं तो बिहार में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जेडीयू बीजेपी की सरकार के खिलाफ अगर देखा जाए तो महामारी को लेकर जिस तरह से इस कोरोना महामारी में सरकार की परफॉर्मेंस है, अस्पतालों की जो बेहाली है, और जिस तरह से टेस्टिंग, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिहार इंटरेस्टेड ही नहीं है, चाहे क्वारंटीन का मसला हो या टेस्टिंग का मसला हो कहीं भी। और बाढ़ की विभीषिका, इसके अलावा बेकारी, बेइंतहा बेकारी, और जो चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है बहुत सारे शहरी इलाकों में, कानून व्यवस्था की हालत।
आप मुजफ्फरपुर का हो हालत, चाहे वो पटना की हो, गया की हो, किसी भी शहर में चले जाइए, अपराध तो इस तरह से बढ़े हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक जमाना था जब विपक्ष सरकार में हुआ करता था, मौजूदा विपक्ष, तो उन दिनों जब भी कुछ बिहार में होता था तो जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन अब पटना में दिन दहाड़े डकैतियां होती हैं, गैंगरेप होता है। अभी हाल में गैंगरेप पटना में हुआ, अभी मुजफ्फरपुर में कल की बात है, कल वहां सदर थाने के एक इलाके में, गांव में हुआ यह कि एक घर में डकैती पड़ी, और भारी डकैती के बाद जो डकैत थे उन्होंने उस घर की 17 वर्षीय एक लड़की को वो जबरन उठाकर लेकर चले गए। क्या स्थिति है ये, एक लोकतंत्र में क्या ये संभव है, जहां एक शासन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। लेकिन खैर, मीडिया में कोई जंगल राज नहीं कहता, सब मंगल राज चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो आम लोग हैं, मीडिया कुछ भी कहे, अखबार कुछ भी बताएं, टेलीविजन चैनल सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती की कहानियां जितनी कहानियों में बहलाएं लोगों को, लेकिन सच जो है वो लोगों के सामने है और लोग बेहद दुखी हैं। लोग चाहते हैं कि वाकई एक बेहतर शासन आए, कहीं ना कहीं लोगों में एक ऊब है, लेकिन क्या मौजूदा विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है, एक बड़ा प्रश्न है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस मौजूदा विपक्षी गठबंधन की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास सबसे बड़ा जनाधार माना जाता है, जितने विपक्षी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, घटक हैं, जितनी पार्टियां हैं उनमें। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस गठबंधन की धुरी है, वही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब आप कहेंगे कि ये क्या पहेली आप सुना रहे हैं, मैं ये पहेली नहीं, ये सच है। लालू प्रसाद यादव जो इस पार्टी के मुखिया हैं, जो जेल में हैं, उनकी पार्टी में इन दिनों उनके परिवार के 3-4 लोग जो हैं सब भारी नेता हैं, और उसमें लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के सबसे बड़े एक यूं कहा जाए ओहदेदार कह लीजिए या अपना उत्तराधिकारी कह लीजिए, मुखड़ा कह लीजिए अपनी पार्टी का, वो अपने छोटे बेटे को बनाया है, तेजस्वी यादव को, और वही बताया जाता है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जो उनके बड़े पुत्र हैं वो तमाम तरह की जो उनकी नौटंकी बाजियां हैं राजनीतिक, जो उनकी अजीब तरह की एक हरकतें हैं राजनीति में, प्रशासन में जब वो थे, खासकर हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त जो उनकी गतिविधियां थी, उसको लेकर वहां के बिहार के समाज में बहुत निगेटिव ओपिनियन है। उनकी बेटी राज्यसभा की मेंबर है, उनकी पत्नी स्वयं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो स्वयं एक हाउस में है, तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा परिवार है जिसमें जितने लोग हैं सब कोई ना कोई राजनीतिक पद पर है। अब ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एक अजीब हालात है, एक अराजकता की स्थिति है, लोगों के दिमागों में यह शक है, और यह सवाल जब मौजूदा सत्ताधारी दल के नेता उठाते हैं कि अगर विपक्ष सरकार बनाता है तो असल चाबी किसके पास होगी सरकार चलाने की, लगातार लोगों के बीच यह अटैक होता है कि विपक्ष के पास कोई सक्षम समर्थ व्यक्ति नहीं है, और लोगों को वाकई लगता है कि नीतीश कुमार चाहे जितने विफल साबित हो रहे हों कोरोना दौर में, महामारी के इस दौर में, और नौकरियों के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, लेकिन वो सौम्य है, वो समझदार है, वो मैच्योर है, वो फालतू बातें नहीं करते हैं, नौटंकी बाजियां नहीं करते हैं। तो ये चीज जो है उस वो चाहते हैं लोग कि विपक्ष में कोई अगर विकल्प के रूप में इमर्ज करता है तो वो नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा होना चाहिए, ज्यादा मैच्योर होना चाहिए, ज्यादा समझदार होना चाहिए। लेकिन आज दुखद स्थिति है कि ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के पास, ये एक असलियत है। ऐसे में बड़ा संकट विपक्षी महागठबंधन का यही है कि क्या वो जो धुरी है विपक्षी गठबंधन की, उसकी ताकत को बरकरार रखते हुए, यानी उसके जनाधार को बरकरार रखें, लेकिन जो उसकी कमजोरियां हैं, यानी लालू परिवार की जो अपने अंदरूनी कमजोरियां हैं, क्या उसको मिनिमाइज कर सकता है ये गठबंधन, क्या कोई नियंत्रण हो सकता है, क्या इस गठबंधन के जो चेहरे हैं अपेक्षाकृत संजीदा माने जाते हैं तेजस्वी यादव, क्या वो अपने परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं, समझदारी के साथ कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे परिवार का एक ऐसा चेहरा सामने आवे, एक ऐसी राजनीति सामने आवे जिसमें लोगों को भरोसा हो। मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और पिछले दिनों दिखा भी, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता दुखी हैं,
और हाल में जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो प्रेमचंद गुप्ता और रेड्डी सिंह जैसे दो बाहरी लोगों को एक तरह से जो बाहरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो प्रेमचंद गुप्ता बिहार के नहीं है, रेड्डी सिंह बिहार के जरूर हैं, लेकिन वो एक व्यवसायी हैं और इसके पहले आरजेडी में उनको किसी ने देखा नहीं, इन लोगों को राज्यसभा में भेजा गया। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को भेजा जा सकता था, इससे गठबंधन को ताकत मिलती, सामाजिक रूप से भी गठबंधन को ताकत मिलती, लेकिन वो काम आरजेडी ने नहीं किया। तो कुल मिलाकर बीजेपी और जेडीयू, जिसकी बहुत बुरी स्थिति इस समय बिहार में है, हो सकता है कि वो अपने बेहतर सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग के बल पर, एग्रेसिव कैंपेनिंग के बल पर और लालू परिवार की अंदरूनी कमजोरियों का एक हवा खड़ा करके, चाहे वो सच हो या अर्ध सत्य हो, जो जितना भी हो, उसका एक हवा खड़ा करके हो सकता है कि इस चुनाव में अपनी जो एक तरह से हारी हुई बाजी है उसको जीत में तब्दील करने की पूरी कोशिश करे। तो ये चुनाव खुला हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, स्थितियों पर निर्भर करता है, दलीय समीकरणों पर निर्भर करता है और चुनाव प्रचार कैसे आगे बढ़ता है इस पर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.